इंजीनियर्स आज जानते हैं लिंटल बीम क्या होती है, उसके साइजेस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होता है, उसको यूज क्यों करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, पूरा डिटेल में आज के वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुजी। आज हम बात करने वाले हैं लिंटल बीम। लिंटल बीम क्या होता है, साथ ही साथ उसके एडवांटेज क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों हम लिंटल बीम यूज़ करते हैं, उसके बाद ये भी समझते हैं उसके जनरल साइजेस क्या होते हैं, उसके बाद आज ये भी जानेंगे कि कितने तरह के लिंटल बीम होते हैं, पूरा इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं लिंटल बीम होता क्या है। लिंटल बीम क्या होती है, सबसे पहले जितने भी ओपनिंग्स आती हैं, चाहे वो डोर हो विंडो हो, उसके ऊपर अपन लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। मेन पर्पस इसका हो जाता है जितना भी उसके ऊपर के पोर्शन, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये लिंटल बीम है, ये ओपनिंग थी, ओपनिंग के ऊपर के पोर्शन के जितने लोड है वो लिंटल बीम के थ्रू आपके लोड स्ट्रक्चर में ट्रांसफर। अब इससे प्रॉफिट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो एलिमेंट है, जो ओपन सरफेस है, वहाँ पर क्रैक्स नहीं आते। कहीं आप विंडो डोर दिए तो उन फ्रेम में क्रैक आ जाते हैं, तो मेन लोड ट्रांसफर का काम करता है। साथ ही साथ इसकी साइजेस क्या हो सकती है, इन जनरल अपन लोग बोले तो जितनी वॉल की साइज है, विथ है, उतने विथ का ये रहेगा। अब इसके डिवाइड कैसे करते हैं, इसको अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड अपॉन मटेरियल, किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब ये समझने से पहले लिंटल बीम क्या होता है, ये तो आज इसके वीडियो में अपन लोग पूरा डिटेल में जान लेंगे। कहीं आपको और कुछ पता करना है, टाई बीम क्या होता है, ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके आपको क्या चीज़ नहीं पता है, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिससे नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में बन सके। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्या होता है लिंटल बीम। अब ये समझ लेते हैं इसका मिनिमम साइज होता है 100 mm। 100 mm को अपन लोग इन जनरल क्या बोल सकते हैं, 4 इंच। 4 इंच की तो आपकी इसकी विथ होनी चाहिए, चाहे वो वॉल 4 इंच की हो या 200 mm की हो, किसी भी कंडीशन में इसकी 4 इंच से कम इसकी विथ नहीं होनी चाहिए। अब डेप्थ की बात करें तो डेप्थ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इसका, 1/12 to 1/8 के रेशियो में, मतलब जितना बड़ा बीम का स्पान है, जितना इसको लोड ट्रांसफर करना है उसका 1/12 to 1/8, ये इन जनरल अपन लोग बोला जाता है। परंतु जनरली क्या लिया जाता है, 200 mm मिनिमम डेप्थ दी जाती है। अब ये स्टैंडर्ड बन गया है, जनरली आप देखेंगे हर जगह 200 की डेप्थ दी जाती है। वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका विथ कितना होगा, 100 mm की वॉल है तो 100 mm का वॉल कर दिए, डेप्थ 200 का दे दिए, 200 mm की वॉल है तो 200 mm का विथ कर दिए, 200 की डेप्थ दे दिए। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसमें एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है कि ये डोर और विंडो के जो फ्रेम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, या फिर आपने ओपनिंग छोड़ के रखी है तो वो क्रैक होकर गिरने से बचाता है। दूसरा एक और मेन एडवांटेज आ जाता है कि पूरे वॉल में जब क्रैक आता है ना नीचे से ऊपर तक, तो पूरे वॉल में इकट्ठा क्रैक आ सकता है, परंतु अपन लोग ने एक बैरियर दे दिया, एक बीम दे दिया, तो उसके कारण पूरा क्रैक नहीं आता। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लोड ट्रांसफर आसानी से हो पाता है। साथ ही साथ जो नीचे बीम आने वाली है, मतलब लिंटल बीम जहाँ है उसके नीचे वाली बीम पे लोड कम हो जाता है। अब वो कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक बीम दी रही है, आपकी ग्राउंड बीम हो सकती है या प्लिंथ बीम हो सकती है, उसमें लोड क्या पूरे सरफेस का आने वाला था, परंतु कहीं अपन लोग लिंटल बीम दे दिए तो लिंटल बीम क्या होगा, आपके ऊपर के पोर्शन का लोड वो खुद ले लेगा, तो इसके कारण जो नीचे की बीम है उसकी रीइंफोर्समेंट कम हो जाती है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कभी भी अर्थक्वेक या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन आ रहा है तो उसके कारण क्या होता है कि दीवार में क्रैक आने लगता है, और ये क्रैक जनरेट होता है आपके फाउंडेशन से। अब हमने एक और, ये क्रैक जब जनरेट होगा तो आपने एक और बीम दे दिए। अब ये भी समझिए, अर्थक्वेक से बचाने के लिए स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है, डक्टाइल करना पड़ता है। डक्टाइल कैसे करते हैं, अपन लोग अलग अलग तरह से रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करके, बहुत कॉमन एस्पेक्ट होता है। और भी अर्थक्वेक से बचाने के लिए तरीके होते हैं, जैसे मास डैम्पर होता है, फिक्शन डैम्पर होता है, विस्कोस डैम्पर होता है, इस तरह से बेस आइसोलेशन होता है, वो अलग अलग एस्पेक्ट की बात नहीं करते, अभी इन जनरल की बात करते हैं। तो अपन लोग लोड कम कर सकते हैं जितना रीइंफोर्समेंट बढ़ा के, परंतु रीइंफोर्समेंट बढ़ाते समय ये भी ध्यान देना है कि वो डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हैं, अपन लोग ओवर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। अब ये भी बात करते हैं कि लिंटल बीम देने तो उसका पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है लिंटल बीम देने का। सबसे पहला कि अवॉइड कर लेते हैं अपन लोग जितने भी ओपनिंग्स आ रहे हैं उसमें क्रैक आने का, जैसे स्टार्टिंग में अपन लोग इसके एडवांटेज में भी समझे। साथ ही साथ ये अपन लोग के विंडो और डोर को प्रोटेक्ट कर रहा है खराब होने से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोड आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, जो अभी अपन लोग थोड़ी देर पहले देखे थे। उसके बाद ये एक, कई बार अपन लोग इसको एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब अपन लोग ने पुराने उसमें देखा था लिंटल बीम होगा तभी अपन लोग ये छज्जा दे पाएंगे, आप विंडो के ऊपर आसानी से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं। आज तक बहुत सारे टाइम हो गया है जब तक अपनी बिल्डिंग बन रही है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आ चुके हैं। जैसे पहले बात करें तो पहले बनते थे वुडन के, अब वुडन के बनते थे तो अब इसमें दिक्कत क्या थी, बनते कैसे थे, वुडन के टिम्बर के एक को अच्छे से तैयार किया जाता था और उसको डायरेक्ट क्रॉस रख दिया जाता था। अब रखते थे क्यों थे, अपन लोग जितना उसका पर्पज़ समझते थे तो क्या था, लोड आ रहा है, लोड प्रॉपरली ट्रांसफर हो सके, तो यहाँ पर भी हो पाएगा।
साथ ही साथ इसमें एक डिसएडवांटेज आ जाता था, पहले बहुत अच्छे से ये यूज़ किया जाता था क्योंकि कोई और तरीका नहीं था। आज के डेट में RCC मोस्ट कॉमन होता है और बेस्ट तरीका होता है। अब इसमें नुकसान क्या है, ये टिम्बर है, अब कितना भी सीजनड हो ये धीमे धीमे रॉट होने लगता है, क्रैक आने लगता है। साथ ही साथ आज के डेट में टिम्बर के रेट भी ज़्यादा हो गए तो ये कॉस्टली भी पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरा स्टोन की, स्टोन लेंटर वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्टोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। वही सेम कॉन्सेप्ट, एक स्टोन की बीम टाइप बना दिया जाता था, उसको रख दिया जाता था जिससे प्रॉपरली लोड ट्रांसफर, परंतु इसमें एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता था कि स्टोन की वेट बहुत ज़्यादा होती है, तो एक तो स्ट्रक्चर में वेट बढ़ाता है, साथ ही साथ इसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होता था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें वर्कर जब यूज़ करें तो डेंजर होता था कि टूट भी आसानी से सकता है। अब इसके बाद एक और आता है ब्रिक लिंटल। ब्रिक लिंटल में क्या होता था, फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ किया जाता था, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता था, ये भी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता। अब बात करते हैं जो हरदम यूज़ होता है, RCC जो अपन लोग स्टार्टिंग से जिसकी साइज़ बताए थे, रेनफोर्समेंट की बात करें तो इसमें 4 रेनफोर्समेंट आपको मिनिमम देना ही पड़ता है, 2 ऊपर 2 नीचे, वो डिपेंड करता है कि किस कितना साइज़ है, उस हिसाब से आप 2 ऊपर टॉप में 10 mm के, 2 नीचे 10 mm के दे सकते हैं, या फिर ऊपर 2 10 mm के, नीचे 2 12 mm के, या फिर चारों 12 mm के। इन जनरली आज के डेट में दोनों चारों 12 mm के अपन लोग देते हैं। अब इसके बाद इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट सबसे पहले हो जाता है कि आसान है बनाना, आपका पूरा कॉलम जैसे बन रहा है, बीम क्या जैसे बन रहा है उस हिसाब से इसको भी बना सकते हैं। और दूसरा प्रॉफिट होता है इसका साइज़ का लिमिटेशन नहीं होता, जितना साइज़ जैसे बनाना है अपन लोग के पास फॉर्मवर्क अवेलेबल है उस हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अपन लोग कॉन्क्रीट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सुटेबल होता है और वाइडली आज के डेट में यूज़ अपन लोग इसी तरह से करते हैं। अब इसके बाद एक और होता है, जब लोड बहुत ज़्यादा आता है तब अपन लोग यूज़ करते हैं स्टील लिंटल। अब इसमें क्या होता है, जब लोड बहुत ज़्यादा आने लगता है तो अपन लोग को बीम RCC बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए स्टील लिंटल का यूज़ करते हैं जिससे आपका डेप्थ कम हो सके, परंतु इसमें भी वही नुकसान है, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और बाकी चीज़ों में दिक्कत होती है। इसके बाद आज की डेट में जो कॉमनली यूज़ हो रहा है वो प्रीकास्ट है। अब प्रीकास्ट को अपन लोग क्यों यूज़ करते हैं, प्रीकास्ट को इस कारण यूज़ करते हैं कि आपका टाइम बच जाता है, पूरी एक बीम को कास्ट करने तो बहुत टाइम लग जाता है, अब वो बहुत टाइम लग जा रहा है तो उसके कारण आपके साइड पर दिक्कत है कि उतने जल्दी मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। साथ ही साथ ये प्रीकास्ट में आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, आप फैक्ट्री में बना सकते हैं, इनसाइड कास्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री में बन क्या हो तो इसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो एक अपन लोग को अच्छी क्वालिटी का मिलता है, साथ ही साथ इसको वर्क करने में बहुत आसानी से अपन लोग उतने जगह पर लगा देते हैं। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के लिंटल बीम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपन लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको RCC ही यूज़ करना रहेगा, नॉर्मल बीम की तरह 2 ऊपर 2 नीचे रेनफोर्समेंट देने रहेंगे मोस्ट कॉमनली। उसमें भी आराम से बता देता हूँ, आपका विथ तो क्या कहते हैं वॉल जितनी अच्छी होगी, और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ आपका 200-300 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और रेनफोर्समेंट आपको ऊपर 2 12 mm के, नीचे 2 12 mm के कॉमनली देना है। इसका भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपन लोग, परंतु जनरली इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद आप लोग को और कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी बीम्स आपको लोग को नहीं पता या कौन सी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे जिससे अगला वीडियो इस टॉपिक में बन सके। थैंक यू ऑल, होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएगा, कहीं अच्छा लगा तो लाइक करें, इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, करना है खास चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।